नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ है नीरज कुमार जी, जो गाय के गोबर से बहुत सारे आइटम्स बना के एक नया बिजनेस कर रहे हैं, जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। नमस्कार नीरज सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले सुलसुला आपने जो मेरे को एक मंच दिया है उसका मैं आभारी हूँ। और बेसिकली अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क हमने कंप्लीट किया है मैंने, और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मेरी गवर्नमेंट टीचर में जॉब भी लग गई थी यूपी में, लेकिन उसको मैंने क्विट कर दिया था। इस काम को लेकर मैं मतलब मेरी शुरुआत हो चुकी थी, और उसके बाद में साथ ही क्या कहते हैं ये जो अपना अगर हम जन्म की बात करें तो मेरा हरियाणा से जन्म है, किसान परिवार से हैं हम। और बेसिकली गायें भैंस किसानी ये सब कुछ मतलब हमारी रूट्स में हमारी जड़ों में रहा है। और फिर हम लगभग हमारे जैसे अगर हम बात करें हमारे जो दादाजी हैं परदादाजी हैं वो एक फ्रीडम फाइटर होते थे, तो वो जो है यहाँ पे हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में गांव पड़ता है मेवला फार्म, यहाँ पर हमने आके हमारे परदादा जी लोगों ने जगह ली थी और हम तब से यहाँ हैं। फिर वो करीब अभी 15 सालों से हम उत्तराखंड में काशीपुर हमारा सिटी लगता था, तो काशीपुर में इससे पहले रेस्टोरेंट बिजनेस किया है हमने। और उसके बाद ये गवर्नमेंट टीचर की जॉब हो गई थी, और उसके बाद फिर ये दैट्स मतलब ये काउडंग वाला कार्य पिछले 6 साल से ये शुरू कर रखा है। बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। तो हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दर्शक बहुत उत्साहित है जानने के लिए, और हमें भी आपसे जानना है, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे हम सभी जानते हैं कि काव डंग से कुछ गिने चुने चीज़ें ही बना सकते हैं, जैसे काव दिया या फिर मोल्ड, तो आप काव डंग से इतना सारा चीज़ें आप बना रहे हो, तो ये सब बनाने का आइडिया आपको कहाँ से मिला सर? देखिए भैया जी, आइडिया तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है। मेन तो मेन मैं तो इसमें सबसे बड़ा तो ईश्वर की शक्ति और उनके आशीर्वाद मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है मतलब उन्होंने लिखा था इस समय पे कि ये होना निश्चित था, और उसमें हम उनकी कृपा के पात्र बने हैं, तो वो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। रही बात इसको कि मेरा थोड़ा सा शुरू से जो है आर्ट का शौक रहा है, और जब लगभग 6 साल पूर्व मैंने इस कार्य का वो प्रारंभ किया था, तो उस समय जैसे आपने कहा कि भाई दिया या मूर्ति इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे आइटम बन रहे थे, तो ये जस्ट मतलब यही था कि मैं सुबह से लेके शाम तक हमेशा इसी को सोचता रहता था, इसी के बारे में कैसे बनाने हैं। और मैंने भी स्टार्टिंग जो की थी एक वो एक सिंपल 400 रुपए के पुराने सांचे से मैंने शुरुआत करा था, अपने बेडरूम में ही बैठ के जिस जगह मैं सोता था वहीं से। तो जब उस कार्य को हम कर रहे थे तो हमेशा उसी के बारे में सोचा जाता था कुछ था, तो बस जस्ट ऐसा हुआ था कि रात एक रात सपना आया और मुझे सपने में कुछ जो जो नई जो मैं टेक्नोलॉजी जैसे 3 दिन में हम ट्रेनिंग भी देते हैं, तो उसके बारे में मुझे कुछ एक मेरे को सपन में दिखाई दिया ईश्वर ने कि भाई आप इस तरीके से कुछ डिजाइन बनाइए। और मैं जस्ट मॉर्निंग में जब मैंने उसी तरीके से उन डिजाइन को किया तो वो एकदम से सक्सेसफुल हो गया, और फिर मेरे सामने मतलब करोड़ों डिजाइन दौड़ पड़े कि मुझे क्या बनाना है और अब क्या छोड़ना है। मतलब ये बिल्कुल मान के चलिए जी कि साक्षात उन्होंने मेरे को ये संजीवनी रूपी दी है कि आप इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने काओडंग से कितने टाइप्स का प्रोडक्ट आप बना चुके हैं, और बनाने के प्रोसेस के बारे में भी थोड़े बताइए। देखिए अगर हम बात करें कितने टाइप के, तो ये मान के चलो कि मतलब 100-200 मतलब आइटम्स हम मोर देन आइटम्स इजीली बना रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है मतलब। और दूसरा ये कि अगर थोड़ा सा मैं इसको और ब्रीफ करूं बनाने को लेकर कि जैसे देखिए कि ये एक कच्चा माल है, एक रॉ मटेरियल इसको मानिए आप, और उस रॉ मटेरियल से हम हर इंडस्ट्री में हैं। अगर हम छोटे से शुरुआत करें तो जैसे हम दिया बना रहे हैं, चाबी के छल्ले बना रहे हैं, चेस्ट बैच बना रहे हैं, छोटी सी टिक्की बना रहे हैं, मेडल बना रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा बड़ा बड़ी की बात करें तो हर प्रकार की जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, या कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट है, कोई नेम प्लेट है आपका कस्टमाइज, कोई नेम प्लेट है मतलब यहाँ तक कि आप अगर अपने फिंगरप्रिंट को मेरे को दें पेपर पे स्टैम्प करके और बोले कि मेरे को ये फिंगरप्रिंट अपने 10 फिट बड़े बनाने हैं या 15 फिट बनाने हैं, तो हम आपके फिंगरप्रिंट्स को गोबर से 10 फिट बड़ा वॉल हैंगिंग पीस बना सकते हैं आपका। तो यहाँ वाह तक हम वाह कस्टमाइज रेंज में हैं,
हर प्रकार से। तो एक सिंगल रॉ मटेरियल से डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियों को खड़ा किया जा सकता है, और ये इस सदी का या इस समय का सबसे सर्वोत्तम जो है कच्चा माल है, जो किसी भी रूप से जो है प्रकृति, पर्यावरण और पृथ्वी को हानि नहीं देता है और उसको मुस्कान ही देता है। रही बात छोटी सी बनाने के प्रोसेस की, तो सबसे पहले मतलब अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग उत्पादों को बनाने को लेकर अलग अलग चरण होते हैं, लेकिन अगर मोस्टली हम अपनी बात करें, क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की गायें नहीं है, मैं करीब 18-20 किलोमीटर दूर से जो किसान भाई हैं मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं जिनके पास देसी गोवंश है, उनके वहां से हम जो है ये कलेक्ट करके लेके आते हैं, काउडंग, फ्रेश काउडंग लेके आते हैं। उसके बाद उसको मैं यहीं अपने वर्क यूनिट और मेरा घर एक ही जगह पे है, तो वहाँ जो है उसको प्रॉपर उसको जो है सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद जो है उसको चक्की है, अलग अलग ग्राइंडिंग जालियाँ होती हैं, अलग अलग उत्पाद को लेकर अलग अलग हमको उसका मतलब जो साइज है वो ऊपर नीचे करना होता है कि भाई एक नंबर जाली में पिसाई करनी है, दो में पिसाई करनी है, ऐसे पिसाई करके, और कोई भी प्राकृतिक गोंद उसमें मिलाया जाता है। अगर हम प्राकृतिक गोंद की बात करें तो जैसे मुल्तानी मिट्टी है, ग्वारगम है, जो ग्वार की फलियां होती हैं उससे जो बना हुआ जो फूल का बीज से जो बनता है ग्वारगम होता है, मैदा लकड़ी का एक पेड़ होता है उसकी छाल गमिंग के लिए काम में ली जाती है, तो चूना हो गया, तो इस प्रकार का उड़द हो गई, अपनी मेथी हो गई, कोई भी जो जैसे जितने भी प्राकृतिक जो जो भी ऐसे जो उत्पाद रहे हैं जिनसे हमारे किले या ऐसे बड़ी बड़ी जो चीजें इमारतें खड़ी की गई हैं, वही सब प्राकृतिक गोंद इसमें लगभग मिलाए जाते हैं। 10% हमारा रेशो 10% है, 90% मात्रा में काउडंग रहता है, 10% प्राकृतिक गोंद है, और उनको बनाने के बाद फिर तरह तरह के सांचे होते हैं, लगभग 10-12 प्रकार के सांचे हैं, कोई लकड़ी का है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है, फाइबर का है, सिलिकॉन, रबड़, तो ये इस प्रकार के जो है सांचों में उनकी ढलाई करके और ये उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इनकी सैंड पेपर से इनकी घिसाई, फिनिशिंग, छोटी मोटी कहीं कोई कोई कमी है या कुछ इस प्रकार से कोई कलरिंग करना है तो उनको कलरिंग करना है, फिर उसको चमक लेके आनी है तो उसके ऊपर कोटिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है, फिर बाद में दैट्स ऑल पैकिंग करके फिर इस तरीके से मतलब कस्टमर का ऑर्डर होता है उस प्लेस को, वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट या जिस तरीके से कुरियर जो किया जाता है वो करके उसको पहुँचाते हैं। जी बिल्कुल, हमने भी देखे हैं जो आपने वीडियो, आपका जो वीडियो शेयर किया गया, मतलब जो वीडियो हमने देखे यूट्यूब में, वहाँ पर भी आपने बिल्कुल बताया। तो हम बिल्कुल ये जो प्राकृतिक चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं इको फ्रेंडली है, बिल्कुल बहुत आसानी से आप इसको मतलब अवेल कर सकते हैं और ये आपके चारों तरफ भी अवेलेबल होगा। तो जब आप ये बिजनेस शुरू किए थे, शुरुआत में अगर आप शुरुआत की बात करें तो जब हम मार्केट में नए थे, तो शुरुआत में मार्केटिंग करने में क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए नीरज जी? देखिए शुरुआत की बात करें तो भैया लगभग जैसे मैंने बताया कि किसान परिवार से हम रहे, तो गायें भैंस सब होती थी हमारे घर में, लेकिन गौ संस्कृति के बारे में नहीं पता था कि देसी गोवंश क्या था। तो वो 6 साल में जब मतलब मेरी कुछ एंट्रेंस हो रही थी, अगर हम छोटे मोटे मतलब मैंने सभी प्रकार के कोर्स किए हैं, गोट फार्मिंग, चूम फार्मिंग का, कैंचुए से जो अपना कंपोस्ट बनाया जाता है, ये इस प्रकार के छोटे मोटे कोर्स हमने किए हैं, तो सामाजिक अपनी बस उत्सुकता रहती है नई नई चीजों को सीखना। तो उसी दौरान मैं इस इंडस्ट्री में जाने को लेकर, हम दूध की इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे थे, तो उसके लेकर मैं उसको सर्च कर रहा था, तो होस्टन फ्रीजन जर्सी इस प्रकार की विलायती नस्ल उसमें आ रही थी, तो यूट्यूब और फेसबुक या ऐसे सोशल मीडिया के जरिए से ही जो है कुछ सजेशन आया कि देसी गोवंश का जो दूध है वो बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो मैंने उस पर थोड़ा फोकस किया, तो वहीं से पता लगा कि भाई गायें के गोबर से भी कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो फिर मैंने इसका एक पंचगव्य चिकित्सा का कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद जब हम पूर्ण रूप से इस इंडस्ट्री में आए कि भाई हमने वो मूर्तियां तैयार की, और मूर्तियां तैयार करके मैं उनको दिल्ली लेके पहुंचा, यहाँ से मतलब मेरे कुछ मामा जी के बेटे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बोला कि आप इधर आइए, आपका छोटा शहर है और हम यहाँ पे उनको बिकवाएंगे, यहाँ कोशिश करते हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे और वो जो फोटो फ्रेम्स वाले आर्टिकल थे तो हमने वो जो लगाए, तो मतलब एक बहुत डिफिकल्ट दौर रहा कि 3-3 दिन तक मैं एक जगह पे स्थान पे रहता था और मेरी सिंगल बिक्री नहीं होती थी, बोनी तक जिसको बोलते हैं बोनी तक नहीं होती थी, फड़ लगाना जिससे जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे मैं खड़ा हूँ, और लेकिन वहां से इतना होता था कि ना लगभग 2-2.5 हजार विजिटिंग कार्ड जो है लोग बाग वहां से ले जाते थे, आते थे, अप्रिशिएट करते थे, लेकिन ले नहीं पाते थे। और अगर हम इसको आज समझे कि वो क्यों नहीं ले पाते थे, तो वो यही निकल के आया कि लोगों में वो चीज उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से नहीं देखी है, फ्रेंड सर्कल से नहीं सुना है, सोशल मीडिया से नहीं दिखाया, तो वो बहुत चैलेंजिंग टास्क था। तो मेन था कि जागरूकता नहीं थी,
जी लोग जागरूक नहीं थे। अगर आज आज अगर हम और आप एक जगह इस मंच पे बैठे हैं, तो एक हमें समय एक मतलब आज हमारा समय आया है कि जब आपका चैनल और हम सब एक साथ होकर इस तरीके के एक मंच को लेके हम अपना प्रसारण करेंगे, आप सब इसको एक जागरूकता ही दिखाएंगे सबसे बड़ी, तो एक अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है। तो जब अवेयरनेस इसकी आ जाएगी तो पूर्ण रूप से जो चैलेंजिंग टास्क रहे तो वो चैलेंजिंग टास्कों में बहुत मतलब एक जो है आसानी हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज एक भीख मांगने वाला जो व्यक्ति है उसको मोबाइल के बारे में पता है, एक 1,000 करोड़ के प्लेन में चलने वाले व्यक्ति को पता है कि मोबाइल फोन से बात होती है, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता कि गोबर के बने हुए प्राकृतिक अनुकूलन उत्पाद बाजार में आ गए हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इतना सुंदर उत्पाद है देखने में। तो जब ये गैप जो है खत्म हो जाएगा, जब हमारी बातें वहां तक पहुंच जाएंगी, जब ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टास्क जो रहते हैं हर किसी के लिए रहते हैं, लेकिन वो बहुत दौर कठिन था, इसमें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जो है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया था, जिसके जो पहले जो चेयरपर्सन थे वो माननीय डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी थे, उनके आने से ये जो गौ संस्कृति है, जो देसी गौवंश है, या जो हमारा कार्य है जो सभी भाई बंधु कहीं ना कहीं अब कर रहे हैं, अब तो हर शहर में 5-5, 6-6 भाई बंधु खड़े हो गए हैं, लेकिन जो हमारा दौर था उसमें ये था कि 2,000 किलोमीटर तक या 2,500 किलोमीटर पे, 1,500 किलोमीटर पे कोई भाई बंधु पता चल रहा है कि कोई गाय के गोबर से कोई कंडे बना रहा है, या कोई किसी ने दिए बना दिए हैं, वो बात सिर्फ निकल के आती थी, तो वो बहुत चैलेंजिंग दौर था। तो उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा भी बहुत अहम रोल रहा कि उन्होंने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस दौर को बहुत हद तक आसान बनाया, और अब तो मतलब बहुत आसान दौर आ गया, हर कोई व्यक्ति आसानी से बना रहा है और आसानी से बिक रहा है, कोई बड़ी चीज बात नहीं है। बिल्कुल, तो ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि अभी मार्केट में इसका डिमांड कैसा है और कस्टमर्स का फीडबैक क्या है आपके इस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, बात करें मार्केट के डिमांड की, तो मार्केट में अच्छी समय डिमांड है, हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें कि लगभग अगर हम कहीं किसी सर्कल में खड़े हैं किसी जगह जहाँ पे लोगों की मेजोरिटी है, और हम बात करें तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बंडल मिलता है हमें, कि जो व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई मैंने सोशल मीडिया के जरिए या यूट्यूब में कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि भाई काउडंग के बने हुए प्रोडक्ट है। और फिर दूसरा क्या है कि जैसे अगर हम बात करें और ज्यादा अवेयरनेस की, तो अब तो इतना अवेयरनेस आ गया है कि जैसे शादी के कार्यक्रम होते हैं तो जब शादी का कार्ड दिया जाता है तो मिठाई का डब्बा दिया जा रहा है, ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, जब व्यक्ति आता है तो उनको रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ आए, तो उसके लिए जो है बहुत से हमारे यहाँ से जो है आर्टिफैक्ट्स बन के जाते हैं जो आजकल शादियों को लेकर, फिर जो है जो अपने गुरुकुल्स हैं या जितने भी अपने मान लो जो संस्कृत महाविद्यालय हैं ऐसे, या जो कुछ भारत सरकार की जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब एक एक ऐसा जुड़ाव वाला जो अधिकारी महोदय हमारे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को चाहते हैं आगे लेके जाएं, इको फ्रेंडली आइटम्स को आगे लेके जाएं, पर कहीं ना कहीं भारत सरकार राज्य सरकार की भी यही बातें कर रही हैं, वो आत्मनिर्भरता की बात कर रही हैं, वो वोकल फॉर लोकल की बात कर रही हैं, वो प्लास्टिक को हटाने की बात कर रही हैं, वो गाँवों के उत्थान की बात कर रही हैं, तो उन सब चीज़ों को ही कनेक्ट कर रहे हैं हम इन सब चीज़ों से। तो अगर इन सब चीज़ों को लेकर हम एक अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करते हैं कहीं पर उसको बताते हैं तो वो इजीली मतलब बिकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप बना के अपने स्थान पे ही रखें और कहीं बाहर निकलें तो फिर तो मुश्किल ही है ना जी। मतलब हाँ, तो उसके लिए निकलना भी पड़ता है और अच्छा बिकता है, मार्केट में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी एक बार उसको फील करता है वो लेना चाहता है पूर्ण रूप से, और एक अच्छा जो है फीडबैक इस समय है इनका पूर्ण रूप से हर कोई। और अगर हम बात करें तो कुछ हमने जैसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो जैसे चरण पादुकाएं बनाई हैं, एक एक्यूप्रेशर मैट बनाया है, तो हमने खुद भी ये महसूस किया है कि अपने स्मार्ट वॉच पे हमने महसूस किया है कि नॉर्मल बीपी को वो बिल्कुल, जैसे अगर आपका हाई बीपी है लो बीपी है तो नॉर्मल स्थान पे वो 20 मिनट्स के अंदर अंदर उसको लेके आ जाता है, हमने मशीनों पे बिल्कुल करके देखा है। आप नंगे पैर अपने कर रखिए और उन चप्पलों पे या एक्यूप्रेशर मैट पे अपने पैर रख लीजिए। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत की बात करूँ तो मेरे को +0.75 का आई कॉन्टैक्ट लगा हुआ था,
हमारी माता जी को 3 नंबर का आई कॉन्टेक्ट लगा था। हम जो लगभग 6 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरे दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हम सबसे ज्यादा किस चीज को देख रहे हैं, हम गोबर को देख रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा भी तो हमें मिलेगी। अगर मैं किसी होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है, रंग चिकित्सा होती है कि आप किसी चीज को ज्यादा निहार रहे हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है। तो हम इसके इसको देखने मात्र से, इस पे काम करने मात्र से हमने अपने आई कॉन्टेक्ट हटा लिए, तो इतनी इतना बड़ा फीडबैक। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे। तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, अफकोर्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो फ्यूचर में और भी, अगर आप अगर हम अगर आपको पूछे कि फ्यूचर में इस बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है सर कि जो आपने कहा कि कैसे ग्रो करना है, कैसे क्या है, तो मेन तो ये है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार से और जितने भी जो बड़े बड़े मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे या हम शार्क टैंक की बात करें, वहाँ पे जो लोग बाग बैठे होते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार की इंडस्ट्रियों में, तो उनको हमें अप्रोच करना हो। सभी मैं सभी भाई बंधुओं से कहना चाहूँगा कि ये जो भी अगर इस कार्य को करना चाह रहा है या कर रहा है, तो वो इस प्रकार से जो है अपनी बात को वहाँ तक रखें, उनको बताएं, जिससे क्या है ना कि मेन यही है कि वो एक पैन इंडिया तक पहुँचेगा, वो ग्लोबली वो चीज पहुँचेगी। जैसे आपने बोला कि कैसे ग्रो करना है, कैसे वो करना है, तो वो ये मतलब एक पूरा चक्कर है, उस पूरे चक्कर के साथ ग्रो किया जाएगा। हम अकेले नहीं ग्रो कर पाएंगे, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं आज बना रहा हूँ, मैंने 100 आइसन बना लिए, 2000 बना लिए, लेकिन मैं बेच तो आप लोगों को ही रहा हूँ, तो आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे ग्रो करेंगे। तो उन तक अपनी बात को पहुँचाना, कैसे पहुँचाएं, किस तरीके से पहुँचाएं, वो मेन काम है। बिल्कुल, हमारा मतलब दर्शक भी बहुत उत्साहित तो होंगे कि अगर वो भी चाहे, आप उनके एंड से कि अगर वो भी ऐसा बिजनेस करना चाहे, जो आपसे इंस्पायर होंगे, आपका स्टोरी देखे जो भी दर्शक इंस्पायर होंगे, तो अगर वो भी चाहे तो उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है इसमें, और अगर है तो कितना है मिनिमम? देखिए सर, अगर बात करें, मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इन्वेस्टमेंट का आपने जो पूछा, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी जो, जैसे हमने अपनी श्रीवंशी गोदाम, हमारा जो स्टार्टअप है, मेरा जो कंपनी हमने बनाई है, हमने उसकी टैगलाइन भी बनाई है कि संस्कृति से अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। तो बिल्कुल, जो आपकी जो आपका कल्चर है वो आपको खुद सिखा रहा है, क्या कहते हैं, किस तरीके से आपको आगे जाना है, किस तरीके से आपको अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है। तो आप ये मानिए कि 0%, कोई और दूसरा भाई भले ये कह दे कि भाई 5,000 लगाने पड़ेंगे, 50 लगाने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितना खर्च करना चाहते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, अगर आप मेरे मेरे भैया आए, मैं जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ अपने यहाँ पे 3 दिन की, एक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जिसमें मैं सिर्फ वो कला सिखाता हूँ कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, किस तरीके से आपको आगे जाना है। तो उस टेक्नोलॉजी के तहत ये मान के चलिए कि जो आपका जो किचन है, जिस किचन में आप जिन बर्तनों का इस्तेमाल अपनी अपने खान पीन के लिए कर रहे हैं, उन बर्तनों को हम सांचा बना देते हैं, उन बर्तनों का उपयोग करके आप 10 आइटम अपने घर से स्टार्ट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक प्रोडक्ट से शुरू करना चाह रहे हैं या आप 50 प्रोडक्टों से शुरू करना चाहते हैं, आप अपने कमरे से शुरू करना चाह रहे हैं या आप क्या कहते हैं वहां पे 50 लोगों को भर्ती करके शुरू करना चाहते हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्री, कमाल की इंडस्ट्री है ये पूरी तरीके से, हर प्रकार। तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे, उनके मन में भी उत्साह रहेगा, दर्शक है जो हमारा दर्शक है, क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कोई लाइसेंस का आवश्यकता है? देखिए सर, ऐसा तो देखो लाइसेंस की मतलब कोई ऐसी मेजर आवश्यकता तो नहीं है कि, लेकिन हम यही कहते हैं कि जी लाइसेंस अगर आप लेते हैं या इनसे जुड़ते हैं आप, तो आपको जो है ना मतलब आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर हम छोटी सी बात करें तो इसमें उद्योग आधार से आप जुड़ सकते हैं, खादी ग्रामोद्योग से जुड़ सकते हैं, अपना आर्टिजन कार्ड बनवा सकते हैं, कार्य धीरे धीरे बड़ा हो सकता है, तो आप अपनी कंपनी बना के अपने अपने कार्य को स्टार्टअप इंडिया में ले जा सकते हैं। तो कोई ऐसा मतलब मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप लेना चाहें तो वो बेहतर है, अच्छा है, सरकार को बताना चाहिए ये। बिल्कुल, धन्यवाद नीरज जी एक अनोखा बिजनेस के आइडिया के बारे में जानकारी देने के लिए। आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको इस नया बिजनेस के आइडिया के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। टूल्स विला के टीम के तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके भैया, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद सर।